आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री गिरीश पटेल जी पर पार्टी वालों को इतना भरोसा है। संबलपुर में अब इन्हीं को दोबारा अध्यक्ष चुना गया, हम बहुत बहुत बधाई देंगे आपकी आवाज़ की तरफ से, क्योंकि ये लड़वा नेता जब तक है तब तक यहाँ पर बीजेपी का नाम है। धन्यवाद जसवीर भाई, आपने मुझे शुभेच्छा दिया उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बाकी रहा जिस दिन से मैं सभापति हुआ हूँ तो मेरा जितना उसमें काम है उसे ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी का नेतृत्व का, खास करके अपने धर्मेंद्र प्रधान जी है, अपने सभापति जी है, पहले समीर महंती जी थे, अभी मनमोहन सामंत जी है, अपने जो दादा है, ये सबका भी आशीर्वाद रहा है, ये सबका सहयोग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग हमारे साथ रहा। और उससे भी बड़ी बात है कि जिस दिन तक जब हमने कार्यकर्ताओं का या पब्लिक का या कोई इशू उठाया है उस समय संबलपुर के जनसाधारण ने उनको पूरा सहयोग दिया है, इसलिए मैं सबका आभारी हूँ। और आज अगर हम कुछ कर किए हैं या कुछ बने हैं तो उसके लिए पार्टी का नेतृत्व और संबलपुर की जन पार्टी के कार्यकर्ता और संबलपुर के जनसाधारण उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। अभी सर हमने देखा आपका जब तक दोबारा चुने गए पार्टी पर आप पर भरोसा इतना किया, उन्हें कोई सामने नजर नहीं है कि गिरीश भाई से बढ़कर अभी कोई नहीं है, क्योंकि वो टोटल संबलपुर, आज संबलपुर में शहर में एडो खुशी की लहर आ गई सर, ऐसा नहीं कि अब गिरीश भाई नहीं वो लोग एडो अलगा सोचे, लेकिन अब लोग खुश हो गए कि अभी भी गिरीश भाई का छत्र छाया हमारे मुंडी में है, और गिरीश भाई जब तक रहेंगे तो बीजेपी का नाम रहेगा, हर ग्रास हर गली नली में गिरीश भाई का नाम है, कहीं भी जाइए तो लोग कहते हैं गिरीश भाई को बुलाओ काम हो, चाहे इलेक्ट्रिक का मनमानी को बंद करवाए, पानी का समस्या को भी बहुत दूर किए, कई प्रकार का कार्यक्रम किए, आज भी संबलपुर वासी आप पर भरोसा करते हैं सर। वैसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष ऊपर में चलती नहीं है, इसलिए गिरीश पटेल का ऐसा कोई नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, इसलिए पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी के कर्मी है, कार्यकर्ता है, जनसाधारण है, उसका सहयोग मुझे मिला है और आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू चालू रहेगा। और सभापति होते हैं तो जरूर कुछ आदमी में नाराजगी रहता है, कुछ आदमी में नाराजगी होगी, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और पार्टी का संगठन को बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि उड़ीसा में डबल इंजन का सरकार हो, आज देखिए केंद्र सरकार का इतना योजना आता है, इन सब योजना को यहाँ पे इन लोगों ने आधा पैसा भी व्यवहार नहीं होता है। आज समूह में देख लीजिए स्वेरेज का योजना थे, और समूहपुर में सब कचरा करके रोड काट करके सब डाल दिए, योजना 7 साल हो गया पूरा नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार का पूरा पैसा है अमृत योजना में, आज अमृत योजना का अवस्था देखिए क्या है, 7-8 साल हो गए अभी तक योजना का 30% काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री आवास योजना है, सबको घर मिलना चाहिए, संबलपुर महानगर निगम में करीबन 30 से 40 हज़ार आदमी ने अप्लाई किया घर मिलना चाहिए उनके, लेकिन हर साल 2,000 आदमी को घर देता है, उसमें सभी कुछ को मिलता है, कुछ बना सकते हैं कुछ बना नहीं सकता है। तो ये जो यहाँ पे जो मिसमैनेजमेंट है सरकार का प्रशासन का, इसको दूर करने के लिए तथा डबल इंजन की जब तक सरकार नहीं होगी तब तक दिल्ली में भी बीजेपी रहे, उड़ीसा में भी बीजेपी रहे, तब तक सामग्रिक विकास जो होना चाहिए वो तो विकास कभी नहीं हो सकेगा इस तरह का। उसके लिए हम लोग विरोधी दल में हम जितना भी चिल्लाएं, लेकिन अभी की जो सरकार है उस सरकार में जो MLA MP है भाजपा के ने BJD की वे उसका भी कुछ नहीं चलता है, इसमें जो भी चलते हैं वो सब वहाँ पे ऑफिसर्स लोगों का राज चलता है। अब देख लीजिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, पांड्यन जी आते हैं यहाँ पे मीटिंग करते हैं और MLA MP वगैरह सब नीचे खड़े होते हैं, एक सेक्रेटरी आपके वो नीचे खड़ा होना चाहिए, आपका मीटिंग अरेंज करना चाहिए, और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है मंत्री लोगों जाते हैं और पांड्यन की मीटिंग कहाँ पर होगी उसकी व्यवस्था करता है, और दुर्भाग्य की बात है संबलपुर के जिला सभापति जो कि मिनिस्टर्स है थोड़े दिन पहले उसको सेट कर दिया गया है मिनिस्टर मतलब उसका पत्र अच्छा नहीं था बोल के है, वो कलेक्टर से मुलाकात करने जाते हैं, सरकारी दल के हैं सरकारी पार्टी के हैं, कलेक्टर बैठ के उसे मेरोटो को ले रही है, तो ये उड़ीसा कहाँ जा रहा है, उड़ीसा किस स्थिति में पहुँच गया है, उड़ीसा में जब ऑफिसर्स लोगों करेंगे शासन जब चलाएंगे तो आज जैसे दो सरबत बदलों के चले जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे भाग जाएंगे, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हो या BJP के हो या BJD के हो
उसे कोई अधिकार नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा उड़ीसा, खास करके अपना पश्चिम उड़ीसा सब चीज़ से परिपूर्ण है। मिनरल्स है, पानी है, लेबर है, वर्कर है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो सक रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे में आज तक भी लाखों आदमी पड़े हुए हैं, जो कि सरकारी अनुदान पर बेचारे मजबूर में चल रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, संबलपुर जिला में इतनी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी यहाँ के लड़के लोगों और लड़कियाँ बाहर मेहनत करने बाहर छपने जा रहे हैं, आंध्रा में और तमिलनाडु में, और वहाँ पे 8,000-10,000 की नौकरी करते हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात ये सरकार लिए क्या हो सकती है, तो डबल इंजन की सरकार लानी है। भाजपा को उड़ीसा में भी सरकार लानी है, दिल्ली में भी सरकार लानी है। और ये भाजपा ने मुझे मेरे ऊपर भी विश्वास किया है, तो जरूर कुछ सोच के मेरे ऊपर भी विश्वास किया होगा, और उसका विश्वास को मैं परिपूर्ण करने के लिए जैसे हमको सबको जिला का लोकसभा और चारों विधानसभा कैसे जीते उसके लिए हमको उनका प्रयास निरंतर चालू है। अभी भी सरकार का भ्रष्टाचार के विरुद्ध में संबलपुर जिला ने पूरा उड़ीसा में, लेकिन खास करके हमसे संबलपुर में हर ब्लॉक में घेराव कार्यक्रम चल रहे हैं गवर्नमेंट के विरुद्ध में। और आपको आश्चर्य होगा, आदमी अपने हिसाब से आ रहे हैं। जैसे बीजेडी का कोई कार्यक्रम होता है तो उसको लोभ देकर लाया जाता है, हमारे कार्यक्रम में कोई लोभ नहीं दे रहा है। उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आदमी पहुँच रहे, पब्लिक पहुँच रही है, और सरकार का विरुद्ध उसका आक्रोश तो लोगों को कर रहा है। तो ये सरकार का उड़ीसा से जाना चाहिए, बस आप लोगों का सहयोग, प्रेस मीडिया का सहयोग, जनसंघ का सहयोग है, और हमको नवीन पत्रा क्या पार्टी में हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अभी हमने गिरीश भाई से सुना, वो कहते हैं जब तक ऑफिसर राज नहीं बंद होगा तब तक संबलपुर डेवलपमेंट नहीं होगा, और ऑफिसर राज बंद होगा जिस तरह अभी भी उन्होंने कहा, यदि आप जिलापाल से भी कोई इलेक्टेड पर्सन जाता है वो भी आधा घंटा बाहर खड़ा रहता है तब उसको अलाउ किया जाता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर पावर जिलापाल के इलेक्टेड विधायक लोगों का है, आप भी कुछ समझिए किस तरह ये मजबूर हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करा सकते, नाम के इलेक्टेड है नहीं काम कुछ भी नहीं कर सकते, उनका सिलेक्टेड काम भी नहीं होता है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्टर।